हेलो दोस्तों, आपका अपना अजय सिंह मोटिवेशनल स्पीकर मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ऐसे शख्स की स्टोरी बताने जा रहा हूं जो बहुत ही खतरनाक तरह से अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करता है और बहुत ही खतरनाक एटीट्यूड रखता है और वो बहुत ही स्पेशल है। दोस्तों मैं आज बात कर रहा हूँ यार आप सबका फेवरेट ABBY एबी वायरल के बारे में। एबी वायरल के बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो वीडियो कंटिन्यूसली देखें। इतना प्रतीक सर के बारे में बताना चाहता हूँ कि एबी वायरल कैसे एबी वायरल बना और क्या उन्होंने ऐसा स्पेशल किया कि जिससे वो एबी वायरल के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों उन्हीं की स्टाइल में हम बात करते हैं। माइक टेस्ट ABBY। जो सड़कों से, जयपुर की सड़कों से बीटेक करने के लिए निकला एक बंदा जो रात भर मेहनत कर रहा था, बहुत कुछ चीजों के बारे में सोच रहा था और यही सोचता था कि कैसे वो इतना पॉपुलर बने, कैसे वो ऐसा काम करे जिससे वो अपने नाम और पहचान बना सके। बहुत स्ट्रगल किया अभिनव भाई ने, बहुत सारी चीजों की उन्होंने परेशानी भी देखी और बहुत सारी चीजों से उन्होंने अपने आप को खड़ा भी किया। यस दोस्तों, जब मैंने उनके बारे में पढ़ा और उनके बारे में देखा तो मुझे ये लगा कि उन्होंने इतना स्ट्रगल किया और इतने कम टाइम में, इतने कम टाइम में इतने बड़े स्टार बन गए जो आज हम सबके चाहते हैं। उनकी जो मोटिवेशनल रैप है, उनका जो यूट्यूब का चैनल है, उनसे हम बहुत इंस्पिरेशन मिलती है हमें और हम बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं उनको देख के। और वाकई में वो एक ऐसे पर्सन है जो लोगों की ज़िंदगी बदलना चाहता है। खासकर तो उन्होंने 20 साल से लगा के 30 साल तक के लोगों के अंदर जीने का नज़रिया ही बदल दिया है। उन्होंने अपने आप में ऐसा काम कर दिखाया है कि शायद ही कोई और कर सके। यस, मोटिवेशन के मामले में उनसे बड़ा और उनसे ज्यादा कोई भी आपके दिमाग को प्रभावित नहीं कर सकता है। दोस्तों मैं गारंटी कह सकता हूं कि एबी वायरल जैसा बंदा आपको रैपिंग में कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता है। यस, उन्होंने जब हपमी की शुरुआत की थी, उनकी जब स्टोरी सुनी थी मैंने, तो उन्होंने हपमी की शुरुआत की थी जब वो घर घर जाके डिलीवरी करते थे, खुद जाके डिलीवरी करते थे और उन्होंने वो स्ट्रगल का टाइम देखा जब ऑफिस के अंदर खुद भी सफाई करते थे। यस दोस्तों, हम कहीं ना कहीं हम छोटी सी झाड़ू लगाने में, पोछे लगाने में हम 10 बार सोचते हैं, पर वो बंदे ने इतने एम्प्लॉय होने के बावजूद भी खुद भी उन्होंने वो काम किया और उस काम को करने के बाद में वो बहुत कुछ अच्छा कर पाए। दोस्तों तो शर्म तो किसी चीज की करनी नहीं है यार, अपना बिजनेस है, अपना काम है और वो सब कुछ। और उनका जो एंटरप्रेन्योर के ऊपर उन्होंने जो फर्स्ट वीडियो लॉन्च किया था अपना कि एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है, क्या होता है, कैसे करता, वो जब वीडियो मैंने भी देखा था तो मुझे भी लगा कि यार लाइफ में कभी ना कभी कुछ ऐसा करना है जिससे लोगों के सामने अपनी बात को रख सकूं। यस गाइस, तो एबी वायरल एक ऐसा पर्सन है जिनसे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर भी होता हूँ, बहुत सारी चीजें सीखता भी हूँ और जब भी मैं डीमोटिवेट होता हूँ तो मैं उनकी वीडियो जरूर देखता हूँ। यस, उनका एक कोर्स भी उन्होंने लॉन्च किया था जो स्टूडेंट्स के लिए था, मैं उसी में से टीकेसी का ही एक स्टूडेंट हूँ जो अजय सिंह नाम है मेरा। और गाइज मैं सच्ची बताऊं ना तो बहुत ही पावरफुल पर्सन है यार। जब उनके साथ मैं, हालांकि उनसे मिला नहीं हूं, बट यस मैं गारंटी कह सकता हूं जब भी मैं उनकी वीडियो सुनता हूं, जब भी मैं उनकी बातें सुनता हूं तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मैं कुछ कर जाऊं। यस सैम, मैं भी जब अपने बिजनेस के अंदर बार बार फेल हो रहा था, बार बार चीजें हो रहा था, पर उनके वीडियो ने ही मुझे यहां तक पहुंचाया कि आज मैं अपने यूट्यूब पे काम कर रहा हूं, आज मैं लोगों को प्रभावित कर रहा हूं। यस आज मैंने भी 10,000 से ज्यादा बच्चों के सामने अपने सेमिनार्स दिए हैं, 5,000 से ज्यादा स्कूल कॉलेजेस में विजिट की है। तो दोस्तों ये पॉसिबल है, ये सिर्फ एक पर्सन जो कि अभिनव प्रतीक सर हैं उनकी वजह से ही हम इतना मोटिवेट होते हैं, इतनी ही चीजें होती हैं। और एबी वायरल इज इस अमेजिंग पर्सन, वो जब बोलते हैं, वो जब लिखते हैं, वो जब गाते हैं, वो सब एक नंबर एटीट्यूड, जैसा कि वो बोलते हैं कि आग लगा दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, वही सारा एटीट्यूड उनके अंदर जो रहता है, वो बहुत ही पावरफुल एटीट्यूड रहता है, बहुत ही खतरनाक है, जो हर एक शख्स उनसे प्रभावित हो जाता है। जॉश टॉक पे जब आए थे तो यस उनके वो जो व्यूवर्स थे और जो जॉश टॉक का शो था वो इतना पॉपुलर भी हुआ, लोगों के बीच में भी गया। यस जिन्होंने शुरुआत की थी यार अपने काम से, अपने नाम से, अपने दम पे, जहां कोई भी लोग, एक आम इंसान जहां तक नहीं पहुंच पाया, वो उन्होंने प्रूफ करके दिखाया। एक एंटरप्रेन्योर की एक मिसाल है, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर है और बहुत सारी चीजें। आज आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ में अभिनव सर मिलते हैं तो हमें खुशी होती है कि हम बोल सकते हैं यार एक हमारे ही बीच के एक सर जो हमारी लाइफ को बदल रहे हैं। आज वो खुद जो बड़े बड़े एक्टर हैं उनसे इंस्पायर भी हो रहे हैं और उनको भी कुछ ना कुछ नया टिप्स दे रहे हैं ताकि वो भी उनसे आके मिल सके। दोस्तों बहुत ही अमेजिंग पर्सन है ये। और यस ये जो भी चीज़ लाते हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल होता है कि हम सब इनसे बन जाते हैं। चाहे इनका वो 50 डेज का टीकेशी का कॉन्टेंट चलाना हो, चाहे वो रोज 101 काम की बातें हो, बहुत सारी चीजें, यस बहुत सारी चीजें ये करते हैं। और ये सब किसके लिए कर रहे हैं यार? हम सब के लिए कर रहे हैं ताकि हम में कुछ आग लग जाए,
हम में कुछ ऐसा हो जाए यार दोस्तों, ना तो हमें कोई टीचर सिखाता है, ना ही कोई और हमें सिखाता है, ना ही हमें कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो हमें बोलता है कि यार आप ये गलतियां करो, पर ये पर्सन अपने वीडियो में, अपनी बातों से, अपनी चीजों से, अपने एक्सपीरियंस से हमें वो सब चीज सिखा रहा है जिससे हम बदल सकते हैं। और मैं बदलाऊं, डेफिनेटली आप भी बदले होंगे, कहीं ना कहीं आपको भी ये लगता है गाइज दिस पर्सन इज अमेजिंग। लोग बात करते हैं बड़े बड़े लोगों की, पर ये मेरे लिए स्टार है। तो मैं ऐसे ही स्टार्स जिनसे मैं प्रभावित हो रहा हूँ, जिनसे मैं बहुत कुछ चीजें सीख रहा हूँ, उन सब की सीरीज इसके साथ लेके आऊंगा। संडे संडे स्पेशल मेरी इन्हीं लोगों के लिए सीरीज होगी, जहाँ पे मैं उनके बारे में बताऊंगा कि ये कैसे अपने बीच में हमारे साथ रहते हैं और ये इतने पोलाइटली इंसान है, ऐसे चीजें हैं करते हैं जिनसे हम प्रभावित हो जाते हैं। दोस्तों वाक्यों में आप भी बदल सकते हो। अभी वायरल जैसे जिन्होंने बोला कि मैं कुछ भी नहीं था, आज वो इतने बड़े सुपरस्टार भी हैं, एक तरीके से हम सबके सुपरस्टार हैं। डेफिनेटली बहुत सारे स्टार उनसे मिलते हैं तो वो ऐसे सुपरस्टार हैं। तो थैंक यू सो मच अभिनव सर, अभी वायरल, जो आपने हमें इतना प्रोत्साहित किया, इतना मोटिवेट किया, इतनी चीज़ों पर हमारे लिए काम किया, और शुक्रिया आप इतने वीडियो बनाते रहे, हमारा प्यार आपको मिलता रहेगा। मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ, जो मुझे एक मौका मिला, शायद मैं आपसे मिल तो नहीं पाया, पर मैं इस वीडियो के थ्रू आपका, आपके एटीट्यूड का, आपके स्टाइल का, आपका प्रोफेशनलिज्म का, सबका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और मैं आपसे बहुत कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं आगे भी आपसे सीखूँ, और कभी मौका मिला तो डेफिनेटली मैं आपसे मिलूंगा जरूर। थैंक यू सो मच।